आज हम सब पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण भी कर रहे हैं और उसके साथ उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल जी की इस पुण्य धरा पर जहां उनका बचपन बीता, बाल्यकाल शिक्षा भी थी, उस धरती को सबसे पहले नमन करता हूं। आज इस समारोह में जिनका हमें मार्गदर्शन मिला, व्यापक रूप से मार्गदर्शन मिला, स्वात रंजन जी भाई साहब, आज के अध्यक्ष हमारे सहयोगी सांसद रामचंद्र बोरा जी, समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी और इस स्मारक समिति के अध्यक्ष पूर्व विसी श्री मोहनलाल छिपा जी। आज जिस विषय पर हमारी व्याख्यान माला है उस पर भाई साहब ने व्यापक रूप से विचार कर व्यक्त किया है। आज जब हम इस जगह आते हैं और देखते हैं कि किस परिस्थिति के अंदर पंडित दीनदयाल जी का जीवन बीता होगा, अपने नाना नानी के सानिध्य में इस छोटे से गांव के स्टेशन पर किस विषम परिस्थितियों के अंदर उन्होंने अपना जीवन बिताया, बाल्यकाल बिताया। जब कोई इस स्थान को देखे तो वह सोच भी नहीं सकता कि एक छोटी सी जगह पर अपना बाल्यकाल बिताने वाले आज दुनिया के अंदर उनका एक विचार आत्मसात कर रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, बदलती परिस्थिति के अंदर दुनिया के सारे देश इस बात पर विचार करने लगे, सोचने लगे और विशेष रूप से जहां जहां भी लोकतंत्र मजबूत हुआ है वहां पर इस विचार की ओर बढ़ाया है कि किस तरीके से हम समाज के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कर सकते, उसके जीवन को बेहतरी कर सकते हैं। और इसी विचार को लेकर पंडित दीनदयाल जी ने हमेशा विचार दिया था। वह सदैव इस बात के लिए दृढ़ निश्चित है कि जब तक हम समाज में दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति को समानता न्याय नहीं दिलाएंगे, जब तक हम देश को गौरवपूर्ण नहीं बना पाएंगे। और इसलिए एकात्म मानव दर्शन कि किस तरीके से समाज के अंदर
संघर्ष को समाप्त करें। उस समय इतना जाति संघर्ष नहीं था, जाति संघर्ष को समाप्त करें, असमानता का भाव समाप्त होना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। उस दिशा के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपना समर्पण और सेवा का काम किया। वह एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पत्रकारिता के रूप में भी उस समय अपने राष्ट्रवादी चिंतन को रखा। उन्होंने एक ऐसा रोडमैप तैयार किया जो देश सेवा का रोडमैप था, संपूर्ण राष्ट्र को वैभव पर पहुंचाने का एक ऐसा रोडमैप किया जो आज सब राजनीतिक दल उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा एक सपना देखा था कि अगर हमें राष्ट्र जीवन के अंदर हर क्षेत्र में खड़ा होना है तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें स्वावलंबन होना पड़ेगा, स्वाभिमान होना पड़ेगा, और यही आत्मनिर्भर की दिशा है और आज देश इस दिशा की ओर बढ़ रहा है कि हमने देखा किस तरीके से कोविड 19 की चुनौती के कारण जब सारे विश्व के अंदर अच्छे अच्छे विकसित देशों की चिकित्सा व्यवस्था डगमगा गई थी, आर्थिक व्यवस्था डगमगा थी, उस समय उस चुनौती ने भारत ने किस तरीके से मुकाबला, हमारी सामूहिक संकल्पता, हमारे सामूहिक रूप से सेवा करने का संकल्प और विचार, नर सेवा नारायण सेवा का विचार, उसके कारण संपूर्ण देश ने एक साथ इस चुनौती में सामूहिकता रूप से मुकाबला किया। मुझे याद है मेरे पास अभी कुछ दिन पहले टेक्सटाइल सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने कहा कि कोविड 19 के समय जब चुनौती आई तो लोगों ने कहा कि पीपी किट कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिना पीपी किट के हम किस तरीके से डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ सफाई कर्मी को स्वास्थ्य सेवा के लिए कोविड संक्रमण बीमारी व्यक्ति के पास भेज पाएंगे, और असंभव सा काम भी, लेकिन एक संकल्प था और उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि हम देश के हर क्षेत्र के अंदर पीपी किट बनाने में लगे, हम विदेशों में भेजने की हमारी ताकत ना, जिसका न कपड़ा में मिलता था न उसको सीना जानता था न उस तरीके का मेटेरियल यहां पर था, बाहर से कपड़ा मंगाने की परिस्थितियां नहीं थी, हवाई सेवाएं बंद थी, ये हमारी शक्ति है कि जब कोई भी चुनौती आती है उस चुनौती का हम सामूहिक रूप से मुकाबला करने की समर्थ और शक्ति हमारे में है, और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि समर्थ भारत अगर हमें बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना हो, और आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर इतने कम समय के अंदर हमारा विचार परिवर्तन हो गया।
उस समय हम जब विचार करते थे कि बिना चाइना के माल के फर्नीचर कैसे होगा, लाइट कैसे होगी, गांव में भी चले जाए तो छोटी सी टोर्च मिलेगी तो चाइना मेड इन चाइना मिलेगी, चप्पल मिलेगी तो मेड इन चाइना मिलेगी। मैं एक दिन जालौर के गांव में गया तो वहां देखा कि प्लास्टिक के मटके थे, कितनी सारी चीजें कितने कम समय के अंदर एक व्यापक परिवर्तन हो गया था कि हम पूर्ण रूप से हर चीज पर चाइना या अन्य देशों पर निर्भर हो गए थे। ऐसे लगने लगा था कि अगर हमें अन्य देशों से कच्चा माल या फिनिश माल नहीं मिलेगा तो हम भारत में प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, मांग के अनुसार हमारे साथ प्रोडक्शन क्षमता नहीं है। लेकिन इतने कम समय के अंदर ही हमने उन सब चीजों में परिवर्तन करने का काम किया। ये विचार से होता है, संकल्प से होता है, और ये विचार संकल्प दिया पंडित दीनदयाल जी ने, और आज हम ये कह सकते हैं कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र के अंदर हम चाहे कच्चा माल हो चाहे फिनिश माल हो, सब हम यहां पर तैयार करने की हमने क्षमता बना ली। आज कहीं भवन बनता है, कहीं मशीन लगती है, कुछ भी कच्चा माल जो किसी जमाने के अंदर बाहर से ही आता था, इतने कम समय के अंदर जनता की सामूहिक शक्ति भी रही, संकल्प सरकार का संकल्प शक्ति का विचार भी रहा कि हमें कच्चा माल और फिनिश माल बनाना है तो भारत में ही बनाना है, और ये विचार चला और आज इस विचार की तरफ देश बढ़ने लगा है। आज जब कभी भी कोई भी काम होता है, चाहे रेलवे से ले लो, देश के किसी भी सरकारी कामों में कई चीजें ऐसी परिस्थिति आती थी कि बिना इंपोर्ट कराए हुए हम हमारी मशीनरी को नहीं चला सकते, हमारे सिस्टम को नहीं चला सकते, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, कुछ देरी कुछ प्रोजेक्ट में हो जाएगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देरी से भी हुए, लेकिन हमें अपने आप आत्मनिर्भर होना है, किसी दिशा की ओर काम करना है, और इस दिशा की ओर देश काम करने लग गया, सरकार काम करने लगी। जब संसद का नया भवन बन रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि ये देश की 130 करोड़ का लोकतंत्र का मंदिर है, ये आजाद भारत का हमारा बनाया हुआ लोकतंत्र का मंदिर है, हमारी संस्था है, इसमें जो भी काम होगा वह 100% स्वदेशी होगा, आत्मनिर्भर होगा, और हमने उसी दिशा की ओर काम करने लगे कि हमने तय समय के अंदर आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर चलते हुए उस भवन निर्माण का संकल्प पूरा करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब मुझे आशा है कि हम निश्चित समय पर उस भवन को पूरा कर पाएंगे। इस मौके पर मैं ये कह सकता हूं कि देश की सभी लोगों को, और मैं कह रहा हूं कि विश्व के सभी लोगों को जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको पंडित दीनदयाल जी के इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। मैं शिपा जी से और आग्रह करूंगा कि एक हम यहां पर उनके पूरी जीवनी को किस तरीके से डिजिटलाइज बता सकते हैं कि उनके जीवन के सारे चीजों को हम डिजिटल सिस्टम से बता दें कि सारी
यहां तक उनके दिए हुए विचार उन्होंने समय समय पर देश और समाज के में किस तरीके से सादगी संयमित जीवन जीते हुए एक इतने बड़े विचारक दर्शन कि योद्धा भी हो सकते हैं उस देखने को दुनिया और देश के लोगों को आना चाहिए। उनकी सादगी, उनकी तप तपस्या, उनका समर्पण हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है और यही इस संगठन की विशेषता है कि राष्ट्रवादी सोच के साथ एक विचार लेकर चले और इस संकल्प के साथ करें कि एक दिन हम इस राष्ट्रवादी विचार को देश के हर क्षेत्र में पहुंचाएंगे। और आज पूरी दुनिया भारत के राष्ट्रवादी विचार की ओर पड़ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठन में उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया, वहां से तब त्याग सीखा, उसके बाद उन्होंने जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, क्योंकि आज वर्तमान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उनके व्यक्तित्व को अपनाने की आवश्यकता है। और जब भी ऐसी जगह आते हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे व्यक्तिगत कार्यकर्ता हो, तो वहां से उनको ऊर्जा मिलती है, नई सोच मिलते हैं, नए विचार मिलते हैं और इसीलिए इन स्मारकों को बनाया जाता है। इन स्मारकों को देखने के बाद व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होता है कि जिंदगी में सादगी से राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता का काम करते हुए भी देश और दुनिया का बड़ा व्यक्ति बन सकता है। और ये स्मारक हमें हमेशा इसी तरीके से प्रेरणा देती रहेगी। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति से माफी चाहता हूं कि मुझे आज आने में देरी हुई। हमेशा कोशिश करता हूं, आजकल हम राजनीति कार्यकर्ता पहले लेट हो जाते हैं, लेकिन जब से लोकसभा का दायित्व मिला समय पर आना समय पर जाना, लेकिन पहली बार इस दायित्व मिलने के बाद मेरे को कार्यक्रम में देरी हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि इस अनुशासन का पालन करूं। आप सबने मुझे बुलाया, ये आने के बाद मुझे नई ऊर्जा मिली, नई प्रेरणा मिली और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनके विचारों को आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।